ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද කථා ගාථා 78 या 78 पंडित वग्गो यानी के जानकार जो वग्ग है उनका वग्ग है। ये कथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये छन्न सारथी की है। छन्न पूरे पाली साहित्य में भगवान बुद्ध का वो कैरेक्टर रहा है जो बचपन से लेके और उनकी मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। छन्न चूंकि सिद्धार्थ गौतम के पास में बहुत ज्यादा खेत थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, सबसे ज्यादा खेत उनके पास थे, उनके परिवार के पास थे, उनके गोत्र के पास थे, उनके कुल के पास थे। बताते हैं कि जब धान बोने का समय आता था तो 1000 हल चला करते थे, इतना बड़ा उन्होंने खेत तैयार किया। खेत तैयार क्या करना होता था, जमीन के कोई कागज लिखत पलत तो होती नहीं थी, जिसने पत्थर हटा के जमीन जितनी ठीक सीधी कर ली वो खेत उनके हो गए, वो ही उसके मालिक हो गए। सारे खेत यहीं के भारत के लोगों के रहे हैं। ये कागज पत्थर तो बहुत बाद में बने हैं, जिनमें हेरा फेरी बाद में हुई है। तो भगवान यानी जो सिद्धार्थ गौतम है, भगवान बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम का मन में बड़े सारे प्रश्न आते थे और वो ये नहीं समझ पाते थे कि ये शरीर कैसे काम करता है, दुख कैसे आता है, कैसे जाता है, बीमार क्यों होते हैं, ये दुनिया में जितने लोग हैं ये कभी सुखी हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं, दो मिनट में सुखी हो जाते हैं दो मिनट में सुखी हो जाते हैं, क्या कारण है कि अभी इनको कुछ दिया तो इनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और इनसे कुछ लिया तो इनके चेहरे मुरझा गए, ऐसा क्यों होता है। तो वो इसको खोजने के लिए मेहनत करते रहते थे। शादी उनकी हो गई, बच्चा भी उनका हो गया, मगर प्रश्न उनके माइंड में रहे। जो जिज्ञासु लोग होते हैं प्रश्न हमेशा उनका पीछा करते हैं और वो प्रश्न इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको चैन से रहने नहीं देते, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। तुरंत अपने प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए, अभी तो गूगल पे नेट पे फोन करके हम खोज लेते हैं, तब ये सुविधा नहीं थी तो लोगों को खुद ही बाहर जाना पड़ता था। तो उन्होंने आगे पढ़ाई का मन बनाया, आगे लोगों से सीखने का मन बनाया, अपनी इच्छा को अपने घर में बताया, पत्नी को बताया, सबसे उन्होंने इजाजत ली, परमिशन ली और सभी उनको कपिलवस्तु तक छोड़ने आए और छन्न को साथ भेजा घोड़े के साथ कि घोड़ा लेके जाओ, उस पर ही बैठ के जाएंगे, आप घोड़े को साथ साथ चलाओ, सारथ इसके सारथी रहो, सारथी रहो और इनके साथ रहना। छन्न वहां से घोड़ा लेके चला, आगे जो अनुमा रिवर है वहां जाके भगवान बुद्ध ने घोड़े को और छन्न को वापिस कर दिया और सारा अपना जो वस्त्र वगैरह थे, जो सामान पूरा कपिल वस्तु के उनके लोगों ने दिया वो सब वापस कर दिया, कपड़े भी दे दिए और बाल भी अपने काट लिए जैसा कि बताया जाता है, क्योंकि अब वो जंगल में जा रहे हैं, वहां से वो छन्न को वापस भेज देते हैं। उसके बाद वो 6 साल लगातार अलग अलग जाके अध्ययन करते हैं, जिन जिन लोगों ने पहले अध्ययन किया जो भी किया, सारा अध्ययन करने के बाद में ये कहते हैं दुख दूर तो हुआ नहीं, यानी दुख दूर करने का तो रास्ता मिला नहीं, कोई भी टेक्निक काम आई नहीं। तो अपने 11 साल पुरानी कोई टेक्निक जो उन्हें बचपन में की होती है उससे वो ध्यान साधना विपस्सना करते हैं और वो उसी में आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी। वो 6 साल बाद 35 साल की उम्र में प्राप्त कर लेते हैं। तो छन्न बाद में भिक्खु संघ में आ जाता है और भिक्खु संघ में आके वो पवज्जा ले लेता है, क्योंकि वो भगवान का सखा रहा है, मित्र रहा है, साथ साथ खेले हैं। पहले तो सिद्धार्थ गौतम दोनों बच्चे बच्चे थे, अभी सिद्धार्थ गौतम तो बुद्ध हो गए। बुद्ध का जो व्यवहार है वो अलग होता है और साधारण व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, क्योंकि बुद्ध तो बिल्कुल 100% शुद्ध व्यवहार करते हैं जो एक मनुष्य का, शुद्ध मनुष्य का होता है। मगर छन्न तो छन्न है, वो तो चीवर लिया उसने और मेहनत की नहीं तो वो सोतापन भी नहीं हो पाया, उद्दंडी बहुत था वो। तो वो जगह जगह अपना रौब गांठता था भिक्कुओं में, सारीपुत्र में, महामोगलैन में, कि अरे तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं तो भगवान बुद्ध को बचपन से जानता हूँ, भगवान बुद्ध क्या, सिद्धार्थ गौतम मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ये किया, मैंने वो किया, ऐसा खेला वैसा किया, मैं उनका बचपन का सखा हूँ। तो ऐसा करके वो रौब उन पर गाठा करता था और मेहनत नहीं करता था। भगवान बुद्ध उसको कई बार डांटते थे, फटकारते थे, मगर वो ये मान के, क्योंकि ये तो बचपन में हम साथ साथ रहे हैं, वो इधर से उधर निकल जाता था। ये व्यवहार आज भी होता है, जब कभी 2-4-5 मित्र हों और वो उनमें से एक मित्र दो मित्र बहुत ज्यादा राइज कर जाएं, किस मामले में, या तो पैसा बहुत ज्यादा कमा लें या बड़े अफसर बन जाएं या कोई बड़ी पोजीशन ले लें या विदेश चले जाएं या उनके पास धन सम्पदा ज्यादा हो जाए, तो उनमें और जो बाकी जो फ्रेंडशिप में जो लोग रह जाते हैं उनके व्यवहार में अंतर आता है।
या तो कुछ लोग चिपक जाते हैं ये सोच के कि भाई मुझे कुछ फायदा होगा, मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है तो मेरा फायदा कर देगा, तो वो दोस्ती एक तरफ हो जाती है, फिर फायदा लेना शुरू कर देते हैं। या ये सोच के कि अब ये हमारा दोस्त है, अब ऐसा व्यवहार नहीं करता, तो वो हटते चले जाते हैं और फिर वो दूरी बढ़ती चली जाती है। जो कुछ समझदार है वो समझते हैं कि उसकी जो वो पोजिशन है वो अलग है, मेरी बचपन की पोजिशन दोस्ती की अलग है, दोस्ती मेरी लिमिट अलग है और उसकी जो उसने प्राप्त किया उसकी लिमिट अलग है, इसलिए उसके साथ में जब कोई और लोग होते हैं तो उनके साथ में व्यवहार अलग तरह का है, और जब साथ होते हैं सखा वाला व्यवहार है वो अलग तरह का है। दोनों व्यवहार को हर जगह मिक्स नहीं किया जाता, और गलती से भी इस बात को सब सार्वजनिक नहीं करना चाहिए कि ये मेरा बचपन का मित्र है और मैं तो ऐसा था और वैसा था, इसका रौब नहीं घटना चाहिए, वरना मित्र मित्र नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, क्योंकि मित्र अपनी पोजिशन भी संभाल के रखता है जो उसने मेहनत करके प्राप्त की है। तो छन्न सीखा नहीं भगवान बुद्ध ने कई बार डांटा, तब ये गाथा कही जो गाथा इस प्रकार है। ने भजे पाप के मित्ते, ने भजे पुरिसा धमे, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरी सुत्त में। ने भजे पाप के मित्ते, आपने सुना होगा बड़ा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, या भजते रहो या भजन करो, बेसिकली ये पाली का शब्द है भजना या भजती या भजन या भज। भज माने होता है साथ रहना, संगति करना, भज उसको बोलते हैं। ने भजे पाप के मित्ते, यानी कि जो पाप कर्म करने वाले मित्र हैं उनके साथ में संगति नहीं करनी चाहिए। ने भजे पुरुषा धम्मे, ना ही जो पुरुष अधम्मे का मतलब है, पुरुषा धम्मे का मतलब है जो पुरुष अधम वाले हैं, यानी कि उनके साथ भी ना रहे जो पुरुष अधम वाले हैं, धम को पालन नहीं करते। भजेत मित्थे कल्याणे, भजेत मित्थे कल्याणे मतलब भजो संगति रहो किसके साथ, जो कल्याण करते हैं, ऐसे मित्र हैं जो अच्छा करते हैं। भजेत पुरी सुत्त में, ऐसे लोगों के साथ में भजो जो पुरुषों में उत्तम हो, जो पूरी तरह से उत्तम हो और जो कल्याणकारी हो उनके साथ में भजो। ये गाथा उन्होंने उस समय कही। उसके बाद छंद सुधरा नहीं, यानी कि छंद भगवान बुद्ध ने ये देखा कि ये इसके ऊपर मेरा सेल्टर है, ये मानता है कि मैं बचपन का दोस्त हूँ, इसलिए ये मेरी बात भी नहीं सुनता और लोगों पे रौब गाड़ता है, इसका इलाज ये नहीं है, अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा डांटूंगा या कटु शब्द कहूँगा या कठोर कहूँगा तो ये बिखर जाएगा, क्योंकि वो तो सबकी मनोस्थिति जानते थे, ये टूट जाएगा, ये कहीं कुछ अहित कर लेगा, इसलिए उसको ज़्यादा कहना उन्होंने बंद कर दिया, मगर उसका इलाज वो जानते थे क्योंकि वो तो सम्यक संबुद्ध थे। इसलिए उनके लास्ट समय में जब वो कुशीनगर में अपना शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने आनंद को कहा कि आनंद छन्न को वही दंड देना। वही दंड क्या होता है? वही दंड होता है बहिष्कृत वाला, यानी बहिकृत करना इसको। ये बहिकृत का जो दंड है तभी से भारत में आया हुआ है। तो उन्होंने पूछा बहिकृत जो दंड है वो कैसा दंड है, आज तक तो दिया नहीं। तो भगवान कहते हैं कि बहिकृत का मतलब है कि कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं करेगा, वो किसी को कुछ भी करे सब उसको चुप रहेंगे, कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं, एक तरह से उसको उपेक्षित करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और जब भगवान बुद्ध की सेल्टर चली गई, यानी कि जो छत्र छाया थी वो चली गई छंद की तरफ से, अब छंद किसी पर रौब गांट नहीं सकता क्योंकि भगवान बुद्ध तो है नहीं, और सब लोगों ने उसे निगाह फेर ली तो उसको समझ आ गया, झटका लगा, फिर उसने मेहनत करनी शुरू की, और उसने इतनी मेहनत की कि वो अर्हत हो गया। भगवान बुद्ध जानते थे कि मेरे मरने के बाद ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनके माँ बाप जिंदे रहते हैं वो बड़े नहीं होते, मगर जैसे ही माँ बाप का साया सर से हटता है वो फौरन ही बालिग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो इमैच्योर नहीं रहते, फिर वो सब सीख सीख जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों में ये क्वालिटी होती है कि जब तक उन्हें माँ बाप की सेल्टर मिलती रहती है, उनकी छाया मिलती रहती है, वो बच्चे ही रहते हैं, बाल बुद्धि रहती है, या ये कहें कि वो जीवन में फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, कोई मौज मस्ती के रहते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, मगर जैसे ही वो सेल्टर या वो साया या वो जो सुरक्षा कवच उनका हटता है वैसे ही वो बालिग और बड़े हो जाते हैं। छन्न भी ऐसे ही हुआ, मगर भारत के अंदर जो बहिष्कृत का यानी कि बहिकृत का जो कम है या कार्य है, उस दिन के बाद से लोगों ने उसका मिसयूज किया। कैसे मिसयूज किया? भारत में उससे पहले लोगों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता था, यानी कि अनटचेबल नहीं थे, छुआछूत वाले लोग नहीं थे, सब आपस में मिलजुल के रहते थे, अनटचेबिलिटी नहीं थी, मगर वो जो बहिदंड
बनाया या जो बही दंड बुद्ध ने एक इंट्रोड्यूस कराया, उस बही दंड का कुछ कमीने लोगों ने, कुछ कपटी लोगों ने, कुछ देशद्रोही लोगों ने, कुछ भारत के विरोधी लोगों ने, कुछ भारत को गुलाम बनाने वाले लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो भारत में घुसपैठ करके आए थे, उन्होंने उस बही दंड को यानी बहिष्कृत वाले को, बहिकत दंड को, जो इग्नोरेंस वाला दंड था, उसको लोगों पे अप्लाई किया और लोगों की मान्यता खत्म की, लोगों से अनटचेबिलिटी की, लोगों से बात नहीं की और लोगों की उपेक्षा की और लोगों को खत्म किया उन्होंने। मगर अगर वही लोग उनको बहिष्कृत कर दें, उनको बहिष्कृत कर दें, तो वो लोग खत्म हो जाते हैं। यानी कि बहिष्कृत दंड इतना विशाल दंड है, इतना विशाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वेपन है, या एक तरह से इतना कठोर ये दंड है कि अगर जिस पे ये अप्लाई किया जाएगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता को बहिष्कृत कर दें, बहिष्कृत कर दें या बही दंड दे दें, उनसे बात ना करें, चीत ना करें, तो वो वैसे ही कुछ दिन में मर जाएंगे। आप मोहल्ले में कुछ लोगों को अगर बहिष्कृत कर दें तो वो उपेक्षा से वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप देश में किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी जो इंडस्ट्री वाला है, या कोई अपने आप को बहुत बड़ा समाज सुधारक कहता है, या कोई छोटे मोटे दल का है, या जैसा भी व्यक्ति है, अच्छा या खराब, अगर आप उसकी मान्यता खत्म कर देते हैं, उसे सम्मान से बोलना बंद कर देते हैं, उसका जिक्र करना बंद कर देते हैं, उसकी पोस्ट नहीं पढ़ते हैं, उसका टीवी नहीं देखते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, उसका समाचार नहीं देखते हैं, समाचार को बंद कर देते हैं, उसका कहीं जिक्र नहीं करते और अपना ही जिक्र करते हैं, तो वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ये बुद्ध का बहिष्कृत दंड है, बहिष्कृत दंड, उपेक्षा का दंड, इग्नोरेंस का दंड। इसको ध्यान रखिए, अगर कहीं जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कीजिए। जिसकी मान्यता खत्म करनी है उसे खत्म कर दीजिए, उसे पुष्टित कर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.
साधु। कामेश निचटार विर्मनि सिक्खापदिंस्माध्यामी कामेश निचटार विर्मनि सिक्खापदिंस्माध्यामी कामेश निचटार विर्मनि सिक्खापदिंस्माध्यामी।